ओके सो दिस इज अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। ओके सो बेसिकली आज मेरे पास फिर से चैनल के ऊपर है मेरे पास इलेक्ट्रिक बाइक, एंड लास्ट टाइम थोड़ा कम पावर वाली बाइक थी, आज मेरे पास है KM 3000। एंड आज की वीडियो में हम यही देखेंगे गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस, गाड़ी का टॉर्क, पावर, स्पेक्स, टायर, सब A to Z सब देखेंगे। सो यार इतना ही होने वाला है इस वीडियो में, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो, एंड तक देखो। एंड लेट्स गो स्ट्रेट टू द वीडियो, सो लेट्स गो। ओके सो ये अपने पास KM 3000, एंड इसका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग के ऊपर। तो ये गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 1,40,000 एक शोरूम प्राइस है, एंड जो मेरा दोस्त है उसको ये पड़ी है अंडर 2 लाख में। एंड इसमें बेसिकली गवर्नमेंट का एक सब्सिडी नाम का एक मेथड रहता है, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट आप गाड़ी परचेस करने के बाद थोड़े पैसे आपको रिटर्न देती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक एक शोरूम प्राइस मैंने बता दिया, ऑन रोड भाई डिफर करेगा सिटी टू सिटी, आप कौन से सिटी में रहते हो वहाँ के RTO चार्जेस के ऊपर एक प्राइस डिफर करेगा। एंड अभी बात भाई सबसे ज्यादा बैटरी कैपेसिटी की बात किया तो 4.0 किलोवाट, मतलब 4 ही बोल सकते हो, 4 किलोवाट की इसकी बैटरी कैपेसिटी है विद मोटर पावर ऑफ 3500। एंड ये था इंजन की बात। बात करते हैं आगे ब्रेकिंग की, तो भाई यहाँ पर आपको आई थिंक से ये ग्रेमिका के कैलिपर्स है, एंड आगे पीछे दोनों आपको ग्रेमिका के कैलिपर्स देखने मिलते हैं, आगे पीछे दोनों आपको डिस्क देखने मिलते हैं। बात करते हैं हेडलाइट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको आगे एक डबल LED लैम्प देखने मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, एंड यहाँ पर आपको एक छोटी सी DRL स्ट्रिप मिलती है दोनों साइड। एंड इंडिकेटर्स की बात की है तो यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स देखने मिलते हैं सेम एज बैक, आपको बैक में यहाँ पर LED टेल लैम्प विथ LED इंडिकेटर्स जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड प्रीमियम लग रहे हैं। नीचे आते हैं टायर सेक्शन की बात की तो आप 110/70 R17 का आपको आगे टायर देखने मिलता है TVS का, एंड पीछे बात की तो पीछे 130/60 R17 का आपको टायर देखने मिलता है TVS का ब्रिजस्टोन ग्रिप्स, तो TVS से तो काफ़ी अच्छी होने वाली है। एंड अगर इधर बात करें तो ऐसे कुछ मिरर्स है गाड़ी के R15 जैसे लुक के टाइप के मिरर्स है। प्लस आपको आगे यहाँ पर बात की तो आपको दोनों ब्रेक्स देखने मिलते हैं, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लीवर्स देखने मिलता है। नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे सिर्फ फूड पैक्स है, एंड जो भी ब्रेक्स है ये आगे का ब्रेक है एंड ये वाला पीछे का ब्रेक है। बात करते हैं फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर इसमें 3 मोड है, एज यू कैन सी इको, सिटी एंड स्पोर्ट मोड, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। प्लस इसके अंदर आप ये 1000 का है राइट, 1000 का है, और जैसे आप यहाँ पर करते हो लेफ्ट में तो इसमें नाइट मोड ऑन हो जाता है सेम लाइक Duke 390। ये TFT डिस्प्ले है जो कि काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी ब्राइट है, एंड कलर TFT डिस्प्ले बोल सकते हैं इसको। एंड अब यहाँ पर इसको अभी ये साइड आए तो ये साइड अपर लोअर की बीम इंडिकेटर्स, एंड यहाँ पर नीचे हॉर्न एक काफ़ी अच्छा सा हॉर्न है, और यहाँ ये देखो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल देखने मिलता है, यहाँ का पीक ऑप्शन है, आपको क्रूज कंट्रोल देखने मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा एंड इंटरेस्टिंग फीचर है। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टैकोमीटर देखने मिलता है, गियर पोजिशन इंडिकेटर देखने मिलता है, लाइक ड्राइवर PE है भाई गियर के अंदर, यहाँ पर एक स्पीडोमीटर देखने मिलता है, बैटरी चार्ज देखने मिलता है, एंड यहाँ पर आपको एक ओडोमीटर मिलता है, प्लस ट्रिप मिलती है, 3 ट्रिप रहेगा इसके अंदर। सो बात करते हैं गाड़ी की रेंज के ऊपर, तो ये बाइक एक चार्ज के अंदर चलती है कुछ 120 किलोमीटर पर चार्ज, एंड अगर टॉप स्पीड की बात की तो आराम से जाती है 100-110 मैक्स इसका टॉप स्पीड है। एंड और अगर बात की चार्जिंग टाइम के ऊपर तो यहाँ पर आपको चार्जिंग टाइम देखने मिलता है 6.5 घंटे में गाड़ी फुल्ली चार्ज होती है। एंड अगर लुकिंग की बात की तो ये गाड़ी मोस्टली लाइक Ninja 300 जैसा लगती है सेम आगे से फ्रंट लुक में, पीछे से भी ऐसी लगती है। एंड अगर वाटरप्रूफ रेटिंग की बात की तो ये IP68 रेटेड है, सो बारिश में कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। एंड अगर चार्जिंग पॉइंट की बात की तो यहाँ पर आपको छोटू सा एक यहाँ पर एज यू कैन सी चार्जिंग पॉइंट देखने मिलता है। बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने मिलते हैं जो कि भाई मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बिकॉज भाई अभी के ज़माने में तो भाई USD फोक्स देने ही चाहिए थे भाई कंपनी ने। एंड पीछे बात की है तो पीछे यहाँ पर आपको मोनोशॉक देखने मिलता है एक येलो कलर का जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो इतना इतना वीडियो में, आई नो काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था, एंड जैसे कि मैंने कहा भाई जिसको जो टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट करें नीचे, आप कमेंट नहीं करते कमेंट करो जो टॉपिक का वीडियो चाहिए, मैं तो वो टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। एंड यार इतना वीडियो में आना, जिसने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे यार, मेरा इंस्टा हैंडल इधर किधर तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होकर जाके फॉलो करो, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो। एंड मिल सके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राइट सेफ इन योर, पीस आउट।